डालनी सर? फोटो नहीं डाली, वो कहते मेरी फोटो नहीं आ रही। आपसे फेस टू फेस हो जाए। गुड इवनिंग अर्श जी, गुड इवनिंग चंद्रकांता जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग प्रोग्राम, गुड इवनिंग विपिन जी, विपिन जी, गुड इवनिंग इवनिंग नीता रानी आए, नीता रानी आए। मैं लीव होकर दोबारा कॉन्टेक्ट करता हूँ सर एक बार। कर लो क्या बात, यू आर विनर। और सुनाइए सब ठीक ठाक हो जी? हाँ जी सर, ऐसे लग रहे बहुत दिनों बाद देख रहे हैं आपको। ऐसे पर आप एक्चुअल हो गए ना? हाँ जी, ऐसे ही होता है। नीता मैम सर, आपके दर्शनों की तीव्र इच्छा हो रही है, कल आ रहे हैं दर्शनों के लिए। आ जाओ सर, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कितने बजे पहुंचोगे? आ जाएंगे जी 11 बजे। 11 बजे आ जाओ आप। हाँ जी। खाना खा के नहीं आना, आपको कुलचा खिलाएंगे अमृतसर का। 11 बजे तक हमारे सफर नहीं होता जी। थोड़ा खा लेना। अच्छा फिर ठीक है। मुझे बैरी जी, कैसा रहा सिस्टम आपका? कुंज बिहारी जी आपने म्यूट, अभी ज्वाइन नहीं किया जी उन्होंने, अभी ज्वाइन नहीं किया द्वारा। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग सर। बहुत अच्छा सिस्टम रहा जी, बहुत बढ़िया, एक्सेलेंट। 6 दिन का, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। 24 घंटे की क्लास चली है सर। मुझे बताया था आपने 24 घंटे क्लास चली है आपकी। सुबह 3 बजे उठकर आता हूं, 3 बजे तक सोए तो आते नहीं, मतलब सोना तो क्या, घंटे तो घंटे रेस्ट किया करते बस ओनली। वेरी गुड वेरी गुड। मस्ती भी खूब की, बहुत आनंद आया था। अभी तो परफेक्ट हो गए आप, आपकी दुआएं जी, आपका आशीर्वाद है मेरे ऊपर। अच्छा मुझे जे कुंज बिहारी जी बताइए जी, अगर आपने किसी के घर ना जाना हो जी, आपके पास मैप भी नहीं है जी, आपने किसी अपने फैक्ट्री में नहीं जाना, घर में भी नहीं जाना, आपको घर में बैठे पता चल जाएगा उसकी डेट ऑफ बर्थ टाइम से कि उसका कौन सा जोन जो है, जोन भी छोड़ो उसके भी डीप चलो, कि कौन सा पर्टिकुलर देवता है जिसको आपने ट्रीट करना है, तो उसका काम हो जाएगा। देखो जी, डाउजिंग से तो पता कर सकते हैं, डाउजिंग वायरस से पता कर सकते हैं। डाउजिंग हो गया, स्कैनिंग हो गया, ये तो आप घर में जाओगे तो फिर पता चलेगा आपको। नक्शे में भी डाउजिंग कर सकते हैं सर? मेरी बात समझ नहीं रही आप। नक्शा नहीं है तो नहीं कर सकता सर। इंट्रोसर कहा कोई आपके पास नक्शा नहीं है, कोई आपने किसी का घर नहीं जाना जी जी, आप उसकी डेट ऑफ बर्थ टाइम से उसके हॉरोस्कोप से ये बता सकते हो कि कौन सा जोन भी छोड़ो जी, चलना है और कौन सा पर्टिकुलर देवता है जो ट्रीट करोगे तो उसका काम हो जाएगा। नहीं सर, आज मैंने आपको वो बात बतानी है जो आपको कोई भी बंदा नहीं बता सकता। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। कोई भी बंदा नहीं सिखा सकता, आपको सिखा सकता, ये मेरी गारंटी है आपको सर। हम मानते हैं, ये तो बिल्कुल मालूम है मुझे सर, कोई भी सिखा सकता, ये बात तो नहीं सिखा सकता। आप स्कैनर लेके जाते हो, डाउसिंग लेके जाते हो, जाके सारा घर चेक करते हो जी सर, एक का आपको पता है कि ये पर्टिकुलर देवता है, यहाँ प्रॉब्लम है, आप सीधे वहां जाकर उसे ट्रीट कर देते हो जी सर, तो उसका काम हो गया शाम तक जी सर, तो वो क्या समझेगा आपको? वो तो बिल्कुल वो समझेगा कि मतलब बहुत अच्छा समझेगा, इससे नदी वो स्थिति वाला ही काम हो गया जी। मेरी बात सुनो, सबसे ज्यादा फायदा आपको होने वाला है अगर आपने क्लास आज की लगा ली ना, तो आप दुनिया का कोई काम जो अपने ऑफिस में बैठ के नहीं कर सकते। गेवर लिया ना कल, बस कल विपिन जी आपके पास आ रहे हैं क्या? कल आ रहे हैं जी, नितेश शर्मा जी तो बोल ही रहे, आज क्या बात हो गई? नहीं नहीं, मैं बोल रहा हूँ सर, मेरी बात ही नहीं कोई सुन रहा। अच्छा
अच्छा एक ना बोर्ड के बोर्ड की तरफ देखो और जल्दी जल्दी लिखो आप कॉपी पे। बोर्ड थोड़ा साफ नहीं दिख रहा जी, मतलब आधा दिख रहा है। दिख रहा है, दिख रहा है अभी, अभी दिखे बोर्ड की तरफ। यूम करके लगा दो, अभी दिख रहा है। यस सर, सर अभी है। सर आप बोलते जाएंगे तो हम लिखते रहेंगे। लिखो 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 जी सर। सी सर, सबसे पहले लिखो केतु। अच्छा जी, केतु के जो देवता होते हैं ना जी, इसे हम एनर्जी फील्ड बोलते हैं जी। प्रिंगराज, वरुण, दिति, अपवस्त्या। प्रिंगराज, वरुण, दिति एंड अपवस्त्या। और लास्ट क्या बोला सर? वरुण, अपवस्त्या। अपवस्त्या एक होता है अपा, एक होता है अपवस्त्या। अपावस्था, अपावस्था जी, जो हमारे कॉर्नर के फील्ड है, कॉर्नर के एनर्जी फील्ड जो है, साउथ ईस्ट के जी है। केतु, वीनस, महेंद्र जी, महेंद्र, अनिल, दूसरा क्या है? पुष्पदंत। सबको बोलना पड़ेगा, नजर नहीं आ रही। बोधर, सविता, मुझे बिहारी जी। जी सर, तो हमारा अपवस्त्या देवता है ना? हाँ जी, हाँ जी। ये नॉर्थ ईस्ट में आएगा, साउथ ईस्ट में नहीं। नॉर्थ ईस्ट में बोल रहा हूँ सर मैं, आप और आप अवस्था साथ साथ हैं दोनों ये। बिल्कुल, जो साउथ ईस्ट में वो सविता से मित्र है सर। हम बोल, इसका डिस्ट्रीब्यूशन का काम है सर इसका। केतु, जो केतु है ना जी सर, केतु के अंडर देवता आएंगे प्रिंगराज, वरुण, दिति, अपवस्त्या। जूम सर, जूम करना, जूम करना। और नॉर्थ ईस्ट जोन है सर। आप पहले देवता लिखो, देवता लिखो फिलहाल। ओके, सूर्य, सत्या, लिख लिया केतु का जी सर। हाँ जी सर, वीनस का लिखो, वीनस का। शुक्र के देवता कौन से हैं? महिंद्रा, वीनस, महिंद्रा, अनिल, पुष्पदंत, सुंदर, सविता। महिंद्रा, महिंद्रा, अनिल, पुष्पदंत, मधुर, सविता। पुष्पदंत, पुंदर एंड सविता। सविता सर, सन का इंद्रा, ये वेस्ट वाला इंद्रा। हाँ जी, जो सन का इंद्रा, इंद्र, इंद्रा, इंद्र, इंद्र वेस्ट में जो होता है वही है ना ये। अरे अभी यहाँ चल रहे हैं, यहाँ इंद्र नहीं है यहाँ। महिंद्रा, अनिल, पुष्पदंत, पुंदर, सविता वीनस के हैं। ये लिख लिया जी, तो महिंद्रा, अनीता, पुष्पदंत और सविता लिख ले रहे सभी। आप तो लिख ही जाओगे, तो थोड़ा स्लो चल रहे हैं। कोई बात नहीं सर, सीखी है सभी ने। सर अभी नहीं लिखा। वीनस, केतु के बाद वीनस का लिख लिया। कहाँ गई? नहीं कहाँ? अंकल को बोल रहे हैं सभी का चार। अंकल को बोल रहे हैं। आकाश, किधर को? असु, भुजंग, भुजंग, रुद्रा, मार्स। अगर आपको सबको दिख रहा है तो लिख लो आप जल्दी। नहीं सर, दिख नहीं रहा हमें, मेरे को नहीं दिख रहा सर। कहाँ पहुंचे हो आप? मैं अभी वीनस पे ही हूँ, सन का नहीं पता लगा सर। वीनस लिख लिया आपने? वीनस लिख लिया, महिंद्रा, स्मिता, पुष्पदंत, सूर्य, 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 सत्या, सूर्य का, सूर्य, सत्या, सत्या जी सर। आगे विधाता, 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 विधाता,
जी सर आगे आ जाएगा सोमा, सोमा आ जाएगा आदित्य, आदित्य हाँ आदित्य 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 होता ना देवता आदित्य के बाद में होता आदित्य का आदित्य हाँ जी हाँ जी उसके बाद आएगा इंद्रा इंद्रा ये सर इंद्र इंद्र ये वेस्ट में होता है वही है ना वेस्ट में इंद्रा वाला हाँ वही मून का सर मून का लिख लो शिखी 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 का भी देवता जो नॉर्थ ईस्ट में होता है जहाँ हम चोटी लिखते हैं चोटी हाँ जी शिखी वो शिखी है जी हाँ जी शिखी शिखी के आगे आ गया आकाश कौन सा आकाश 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 ठीक है आगे आ गया असुर असुर हाँ जी आगे आ गया भुजंग भुजंग उसके आगे आ गया रुद्र रुद्र ठीक है रुद्र ठीक है आगे जो देवता फील्ड एनर्जी जो आपकी है वो मंगल की आएगी मंगल की आ गई सर ठीक है मंगल आ गया मुखिया ठीक है सर मुखिया के आगे आएगा राजक्षमा राजक्षमा पाप जक्षमा और है राजक्षमा और है राजक्षमा ठीक है आप आपा आपा जी सर और आयरमा आयरमा जो ब्रह्मा जी का ईस्ट वाला फेस है ना जी वो ठीक है सर अब इसके बाद मंगल के बाद आ गया राहु 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 में आएगा पर्जन्या पर्जन्या जी पर्जन्या के आगे आएगा यमा यमा जो साउथ में है जी यमा जी। उसके आगे आएगा पितृ पितृ जो साउथ वेस्ट में होता है देवता पितृ जी पित्रा के आगे आएगा द्वारिक 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 ठीक है सर द्वारिक के आगे आएगा पापक्षमा क्या तातक्षमा पापक्षमा जो नॉर्थ वेस्ट में होता है पापक्षमा जो नॉर्थ वेस्ट में होता है ठीक है नशे, नशे वाला एडिक्शन वाला ठीक है आगे आएगा नागा नागा जो एनएनडब्ल्यू होता है सेक्स एंड अट्रैक्शन नागा ठीक है बोलते एन टू याद रखना आगे आ गया जुपिटर ठीक है सर जुपिटर में क्या आएगा जयंत एट ब्रह्मा जयन ब्रह्मा ठीक है सर आगे आ गया सैटर्न क्या सर सैटर्न शनि शनि सैटर्न शनि के जो हमारे एनर्जी फील्ड है जो देवता है वो है उषा उषा गंधर्व रोगा रोग रोग रोगा रोगा बोल रोग जी ठीक आ गया क्या भलाट देव नॉर्थ वाले आगे आ जाएगा जाया एड मित्रा मित्रा जो हमारी एनर्जी फील्ड होती है वेस्ट वाली वेस्ट वेस्ट एड जाया लिख लिया सभी ने आपको पता है जो का दिख नहीं रहा सवित्रा सर सवित्रा 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 क्या सुमित्रा जी अरे एक ही बात है सुमित्रा साउथ ईस्ट का सुमित्रा के बाद जी
का क्या आगे आएगा, वृषा, ये मरकरी के ज्यादा जो है ना वो साउथ वाले आएंगे, वृषा भी साउथ ईस्ट है, सवित्रा भी साउथ ईस्ट है, विवस्वान भी साउथ है, वृषा वृषा के बाद मृगा, मृगा लिखो, मृगा इसे मृग बोलते हैं, मृग लिख लिया मृगा जी, सुग्रीव शोषा, शोषा सारे एनर्जी फील्ड लिख लिया आपने, हां जी। अभी आप जा, आप आ जाओ प्रेडिक्शन की तरफ, हां जी सर। अच्छी तरह से सुनना है आपने, अगर आपको ये लेक्चर समझ में आ गया तो आपको कोई भी ऐसा काम नहीं है जो आप सैकड़ों में नहीं करवा सकते, आपको किसी का स्कैनर लेके चेक करने की जरूरत नहीं है, आपको सारी कोठी, कोई फैक्ट्री, कोई ऑफिस सारा चेक करने की जरूरत नहीं है, आप किसी फील्ड में किसी जोन को भी चेक करने की जरूरत नहीं है, आप उसी पर्टिकुलर देवता के पास जाओगे, उसका ट्रीट करोगे, उसका काम हो गया। सर ये 44 हुए, 45 होने चाहिए हमारे तो सर। सर एक और है, वो आपने लिखा नहीं लगता आपने, बाकी ओके सारे, मरकरी का लिखा भी, विश्वान, सवित्रा, भ्रिशा, मिर्गा, सुग्रीव, सोसा, एक रह गया आपका फिर, ग्रिक्षत, ग्रिक्षत, हाँ जी, ग्रिक्षत होता है, ग्रिक्षत, ग्रिक्षत ये मरकरी का जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ये किसका है, 45 हो गए, हाँ जी 45 हो गए सर, देवता कौन से ग्रह का है, हाँ जी, कौन से ग्रह का ये देवता, सर सारे साउथ में आएगा, बताता हूँ अभी आपको। अच्छा, अच्छा अभी आपने चलना है प्रेडिक्शन की तरफ, हम किसी के हॉरोस्कोप को ले लें पहले, क्या करें, हॉरोस्कोप को ले लो जी, एक छोटी सी बात पहले समझ लो आप, हाँ जी, आप में से किसी ने मुझे फोन किया जी सर कि मेरा बच्चा पढ़ाई में ठीक नहीं है, वो पढ़ नहीं रहा जी, ठीक है, हाँ जी, तो आपने उसका हॉरोस्कोप चेक किया जी, जी मंगल की चल रही थी महादशा, हाँ जी, मंगल की महादशा चल रही थी, मंगल बैठा था राहु के नक्षत्र में जी, अच्छी तरह से सुनना जी सर, राहु नक्षत्र लॉर्ड है, इट मींस राहु के रिजल्ट हमें आएंगे जी, ठीक है, और राहु हमें दे रहा है 3, 8, 12 सिग्निफिकेट, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि सिग्निफिकेटर जो होते हैं स्टडी के वो कौन से होते हैं, 4, 9, 11 अभी सभी प्रोफेशनल आप हो गए हो, 4, 9 ठीक है जी, जी, 4 को निगेट कौन करता है, 3 और 9 को कौन करता है, 8 अगर 3, 8, 12 आ रहा है राहु के सिग्निफिकेटर तो आप बोल दोगे तो वाकई आपकी बात सही है, आपका बच्चा जो है वो पढ़ाई में नहीं चल रहा जी सर, ठीक है, इतना समझ आ गया आपको जी सर, अब मुझे आप ये बताइए कौन सा ऐसा जोन है जो पढ़ाई को रिप्रेजेंट करता है, स्टडी को करता है, WSW जी, मुझे बैरी जी आप फास्ट ना बोलो, आपने ME किया हुआ है मुझे पता है, अर्श मैम जी सर,
जो स्टडी को रिप्रेजेंट करता है जोन वो कौन सा है? थोड़ा सा ऊंची बोलो सर। WS और तो राहु का रिजल्ट मिल रहा है आपको? हाँ जी सर। तो WSW में राहु का देखो कि कौन सा देवता है जो WSW में इंचार्ज प्लैनेट स्टडी का, कौन सा है वो? द्वारिका। वेरी गुड, ये आएगा। समझ आ गया आपको? हाँ जी सर। आपको सारा घर या कुछ भी चेक करने की जरूरत पड़ी? नहीं। हेलो। हाँ जी सर। नहीं नो सर। आपने क्या किया कि मंगल का जहाँ जुपिटर की महादशा चल रही है वो राहु के नक्षत्र में है, राहु जो है वो 3-8-12 दिखा रहा है, पढ़ाई में प्रॉब्लम आ रही है, उसके बाद हमने क्या देखा कि पढ़ाई का जो जोन है घर का वो कौन सा है, वो है वेस्ट साउथ वेस्ट। वेस्ट साउथ वेस्ट में हमारा द्वारिका आ रहा है राहु में। तो अगर आप द्वारिका को जाके पकड़ लोगे, उसको ट्रीट कर दोगे, तो बच्चा पढ़ाई में चलने लगेगा या नहीं चलने लगेगा? चलेगा सर। इसमें महादशा अंतरदशा भी देखनी है, सिर्फ महादशा देखनी है सर? कोई भी देख लो। अच्छा जी। हाँ, आपने क्या देखना है कि दशा का जो लॉर्ड है, महादशा या अंतरदशा या पर्यंत दशा का, हाँ जी, कौन से देवता उनके अंडर हैं, तो आपकी प्रॉब्लम उससे रिलेट हो रही है? हाँ जी। अगर उस देवते से रिलेट हो रही है तो उस देवते को पकड़ लो जाके, बस ठीक है जी, उसे ट्रीट कर दो, आपका बच्चा पढ़ने लगेगा। तो ट्रीट कैसे करना है भैया, बताओ? यही तो पूछना है। उसके जो वो पसंद करता है उसकी वो चीज रखनी है यहाँ पर, जो देवता की खुराक। हाँ जी, देवता की खुराक रखनी है। और कोई बता सकता है? कुछ भी डिस भी लगा सकते हैं, स्टड भी लगा सकते हैं जमीन में। हमारे पास कुछ भी नहीं है सर, कलर कर सकते हैं। हम यहाँ बैठे हुए, हमारे पास कुछ भी नहीं है। राहु का सामान मतलब सामान रख सकते हैं वहाँ पर, मतलब उसके द्वारे का भोजन रख सकते हैं, द्वारे का भोजन भी नहीं है आपके पास सर। कलर कर सकते हैं, येलो कलर। येलो कलर है आपके, अपने जो द्वारे का कलर येलो है? नहीं, ब्लू कलर है। नहीं, द्वारे का कलर व्हाइट ग्रे सर, व्हाइट लाइट ग्रे सर। सबसे पहले पकड़ो उस जोन का शेप कौन सी है? शेप जी गोल, राउंड होगी, 360 स्पेरिकल बोलते हैं उसे। हाँ जी, सर्कल सर्कल। उसके बाद देखो कि मेटल कौन सा है? मेटल जी आयरन। आयरन, अगर आयरन के सरिये को पकड़ के ऐसे गोल कर दोगे जी सर, राउंड कर दोगे जी सर, ऊपर व्हाइट पेंट कर दोगे जी सर, तो आप द्वारिका में रख दोगे तो आपका बच्चा पढ़ाई में नंबर वन हो जाएगा कि नहीं होगा? वाओ वाओ वंडरफुल सर, थैंक यू वेरी मच। वाओ, क्या डिडेट किया सर, अमेजिंग अमेजिंग सर, बहुत बढ़िया। आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ, आप सारे परफेक्ट हो, लेकिन मैंने आपको बताया कि कभी कोई आपको सिखा ही नहीं सकता ये चीज। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। नहीं, बिल्कुल सही बात है। एक केस और लो, आपके पास कोई क्लाइंट आता है, वो कहता मेरे पैसे फंस गए जी, मुझे कस्टमर जो क्लाइंट है वो सामान लेके पैसे नहीं दे रहे, प्रॉपर्टी लेके कुछ भी लेके मुझे पैसा नहीं दे रहे वो। अभी फोन आया जी सर, ऐसे नहीं, मेरी बात सुनो, आप 2 मिनट में उसका हल कर दो।
किसी बंदे की मरकुरी की चल रही है महादशा या अंतरदशा या प्रत्यंतरदशा, उसका नक्षत्र लॉर्ड है शुक्र, जिसे वीनस बोलते हैं। तो पैसे उसके ब्लॉक हो गए हैं। तो कौन सा सबसे पहले कौन सा जोन रिप्रेजेंट है? शुक्र का देखेंगे साउथ ईस्ट, को छोड़ दो जोन कौन सा, जो इन्वॉल्व कौन सा है? मरकरी तो फिर नॉर्थ। दशा किसके सर? विनस की नहीं, मरकरी की है ना दशा, किसी की भी ले लो, मेरी बात सुनो। जी सर, मरकरी की महादशा, मरकरी की एमडी, उसके बाद उसका नक्षत्र लॉर्ड है विनस। एनएल विनस। जी सर, अच्छी तरह से रीड करना, अच्छी तरह से, मजा आएगा, मजा। जी सर, एक मिनट में काम करवा दोगे, लोग आकर पैरों में ऐसे ना दंदौड़ हो जाएगा, दंदौड़। मरकुरी की महादशा है, शुक्र का शुक्र रिजल्ट दे रहा है, नक्षत्र लॉर्ड वो है। जी सर, तो कौन सा जोन है जो ब्लॉक मनी को रिप्रेजेंट करता है? सर नॉर्थ करता है ना, नॉर्थ आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है। आपकी ब्लॉक पेमेंट जो है वो कौन सा जोन है जो रिप्रेजेंट करता है? तो शनि करता है सर, ब्लॉकेज तो नहीं। जोन की बात कर रहे हैं सर, तो जोन की बात कर रहे हैं। विपिन जी आप बोलो। साउथ ईस्ट जी। वेरी गुड, लिख लो, लिख लो। अभी आप ये बताओ कि साउथ ईस्ट में कौन सा ऐसा देवता है जो ब्लॉक पेमेंट, देखो आप शुक्र रिजल्ट दे रहा है ना मरकुरी का, तो मैंने सारे देवता रखा है, शुक्र के देवता कौन है जो पैसे निकाल सकता है? अनिल सर। वेरी गुड, तालियां होनी चाहिए सर के लिए। अनिल है साउथ ईस्ट में, आपने कुछ भी नहीं करना, आपने क्या करना है, पैसे ब्लॉक है, समा कौन सा चल रहा है? समा चल रहा है वीनस का जी। तो वीनस का जोन हो गया साउथ ईस्ट, उसमें देवता कौन है? अनिल है जी। आपने कुछ नहीं चेक करना, आपने सीधा अनिल के पास जाना है जी। तो आपने फिर आगे रेमेडी क्या यूज करनी है कि साउथ ईस्ट का शेप कौन सी है? ट्रायंगल, ट्रायंगल, ट्रायंगल। कलर कौन सा है? रेड, रेड रेड कलर है। और मेटल कौन सा है? कॉपर, कॉपर। अगर कॉपर लेके आप ट्रायंगल शेप में बना दोगे ना जी, और अनिल में जाके रख दोगे तो वो घर आके पेमेंट देके जाएगा आपको। वाओ, अमेजिंग सर, सलूट सर, बहुत बड़ी। आपको सलूट करता हूँ सर मैं। अगर आपके पास नहीं है वो अपना कॉपर नहीं है, मेरे से ले ले फिर। अच्छा मेरी बात सुनो, रेड कलर मिल गया, रेड कलर आपको, रेड कलर लेके अनिल के जो जोन है ना अनिल का, वहां ट्रायंगल बना दो सरफेस के ऊपर, सरफेस के ऊपर आपकी ब्लॉक पेमेंट निकलनी शुरू हो जाएगी। कुंजी बिहारी जी आपको तो सर सर डालना, मेरी बात सुनो, आपको तो समझ आ गई, आपने तो काम कर देना सारी दुनिया के, मुझे पता है क्योंकि आप जिस फॉर्म में हो ना मुझे पता है। आप और को किसी को समझ आई? नीता मैम जी समझ आ गई सर, काम करवा दो, कोई ऐसा काम तो नहीं आप नहीं करवा सकते? नहीं करवा दूंगी सर, साउथ ईस्ट तो बोला था सबसे पहले मैंने मैंने आपको वो क्या बोलते हैं, मैंने क्या दिया आपको, एग्जाम्पल दी है। बिल्कुल बिल्कुल सर, करा सकते हैं, लाखों है सर, करा सकते हैं, बिल्कुल, बहुत बढ़िया उपाय है, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट।
आपको किसी भी घर में जाके फैक्ट्री में जाके चेक करने का, ऑफिस में जाके चेक करने का कोई फायदा है नहीं। आपने उस बंदे की डेट ऑफ बर्थ लेनी है, वो कौन से नक्षत्र में बैठा हुआ, उसके कौन से देवता है, उसकी प्रॉब्लम को करना है रिलेट, उसके देवता को पकड़ के उसकी रेमेडी करवा दो, आपका काम हो गया। ये 2 मिनट का काम है। तो आप सभी सभी के दिमाग में पता क्या है कि मौजगल जी के पास ना कोई वो है, कोई ना कोई शक्ति है, शक्ति नहीं कोई होती, ये ना आपने रिलेट करना है सारा सिस्टम। हाँ। सर अभी हम रिलेट नहीं कर पा रहे ना, जैसे आप कर रहे हो। एक दिन का ऑफलाइन प्रोग्राम रख लो कहीं भी। दिल्ली में रखना तो है। थोड़ा साइड पे पड़ता है, मैंने सभी से बात की, वो कहते वो साइड पे है। बाय रोड आओगे बाय ट्रेन आओगे आप? पता है कुछ नहीं है, बेस्ट रास्ता है। अगर बाय रोड 5 को आकर 6 को वही रहोगे। अगर बाय जी मेरी बात सुनो, मैं 4 को चलूंगा, रात को 5 को अर्ली मॉर्निंग पहुंचूंगा, तो 5 को सर ये भी है। एक ग्रुप डिस्टर्ब हुआ है सर, बाय रोड आओ, जींस का बहुत बेस्ट रास्ता है सर। वो कर लेंगे सर, 1-2 को कर लेंगे। अब हम वो क्या बोलते हैं, वो प्लानिंग कर लेंगे। हमारा हमारी कुटिया भी पवित्र हो जाएगी सर। मुझे पता है सर, आपकी जो कुटिया है मुझे पता है, बंगलू में रहते हो आप, मुझे पता है कुटिया पूरी तरह से। और सुनाइए सब ठीक है? अब किसी का भी हॉरोस्कोप ले लो, आपको जल्दी पता और थोड़ा सा वो हो जाएगा, रिफाइंड हो जाएगा ना। सर मैं अपने बेटे का दूं? कौन बोल रहे हैं? मैं बोल रही हूं, नीता बोल रही हूं। नीता मैम। हां जी। हां बोलो। 24 अक्टूबर। एक सेकंड। आपको बस मैंने ये बताना है कि आप सैकड़ों में काम कर दो, आपको थोड़ा ज्यादा मेहनत करने की जरूरत ना पड़े, बस ये समझाने का मेरा मंत्र है। ठीक है सर। आज केपी स्टार वो स्टार वन का वन डाउनलोड ले लिया, वो देख बार इसको सेटिंग करवाना सर, किस टाइम करवाओगे आप? कितने का मिला वो? 1650 रुपए एक साल के भरे हैं सर। वो पूरे पूरा कितने का था वो? नहीं, जो केपी स्टार पहले फ्री हुआ करता था क्लासिक। अच्छा, 3 साल का 4500 रुपए का था, मैं 1 साल का यूज करके देख लेता हूं। इतने का ही है बस। बाद में तो मोल ले लेंगे सर को। अच्छा कोई बात नहीं, सभी बढ़िया होते, कोई बात नहीं। लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड होते हैं वो फील करना पड़ता है, नहीं तो चमच को पता है, वो करवा लेंगे, कोई बात नहीं। अच्छा रीता मैम, क्या बेटे का क्या नाम है? तनुष। तनुष? हां जी, TNUSH तनुष। जी। अच्छी तरह से करना रिलेट, आपको पता चल जाएगा। डेट ऑफ बर्थ जी सर, 24 अक्टूबर। एक सेकंड। हाँ जी बोलो। 24 अक्टूबर एंड 1987 4:44 PM। दोबारा से रिपीट करना। 4:44 PM 4:44 PM 4:44 PM जी दिल्ली जी। आप देख रहे हो स्क्रीन? जी सर। सभी स्क्रीन देख रहे हो ना आप सभी? जी सर। तो ट्रेन सही पड़ी है ना? नीता मैम देखो आप ठीक है, डिटेल सारी बिल्कुल बिल्कुल ठीक है सर। मरकरी जुपिटर सेकंड हाउस में है और राहु लगन में है, थोड़ा सा कहीं है थोड़ा सा इसका। राहु लगन में राहु है, जुपिटर सेकंड हाउस में है। ठीक हो गया। अच्छा हमने क्या देखना है सबसे पहले? ये देखो। अच्छा ये भाग चली देख रही हूं। ठीक है ये देखो क्या देखना है हमने सबसे पहले? मरकुरी मंगल मरकुरी केतु। हां जी। इसका क्या मतलब है कि मरकुरी की महादशा है, मंगल की अंतरदशा है, मरकुरी की फिर दोबारा से प्रत्यंतर दशा है, केतु की सूक्ष्म दशा है। तो हमने सबसे पहले क्या पकड़ना है? अंतरदशा। एडी बोलते हैं, एडी वो अंतरदशा आ गई मंगल की। हां जी। ओके हो गया जी। ओके हो गया। ओके
और मंगल देखो आपका कौन से नक्षत्र में है, एनएल कौन सा उसका, मंगल का एनएल बोलो जी कौन सा है, ये देखो मंगल का ये बैठा है और इसका जो नक्षत्र लॉर्ड स्टार लॉर्ड है वो मून है, मून ही है ना। हाँ जी सर। तो अभी बोर्ड पे ऊपर आ जाओ आप, मून आ रहा है शिखी आकाश अशुर भुजंग रुद्र जी सर। अभी आप मुझे ये बताइए कि बेटे को क्या प्रॉब्लम है। इस समय कुछ प्रॉब्लम चल रही है बेटा, डिस्कस नहीं करता मेरे ख्याल से काम की, क्योंकि कोरोना की वजह से काम नहीं हो रहा होगा तो उसका रेस्टोरेंट बंद है, तो शायद कुछ ऐसी सी प्रॉब्लम है, लेकिन मेरे को डिस्कस नहीं करता कि मम्मा परेशान हो जाएंगे। अच्छा जी, प्रेडिक्शन करेंगे हमारे कुंज बिहारी जी जिन्हें वो अभी भी सीख के आए हैं हाई लेवल की स्टडी। कुंज बिहारी जी। जी सर। इनका मून का जो नक्षत्र लॉर्ड है कौन सा देवता है जो इनको प्रॉब्लम दे रहा है, ये कहते हैं कि बिजनेस में प्रॉब्लम आ रही है कोरोना की वजह से काम ठप हो गया, वो कनाडा में क्या? जी कनाडा में हमारा रेस्टोरेंट चलाता है, जॉब तो बहुत अच्छी चल रही है सर। ठीक है ठीक है ठीक है, तो बताओ सर कहाँ प्रॉब्लम है, कौन सा देवा जो देवता है वो प्रॉब्लम दे रहा है? कस्टमर नहीं आ रहा क्या प्रॉब्लम, कह कस्टमर नहीं आ रहा, नहीं बंद थे ना, बंद थे वहाँ तो, कनाडा बंद था अब शुरू हुआ है, बंद ही था वहाँ तो कुछ था ही नहीं, बंद ही था। प्रॉब्लम क्या आ रही है उसमें? प्रॉब्लम देखो उसको थोड़ी हेल्थ इश्यूज है, और हेल्थ इश्यूज भी आ रहे हैं और थोड़ी सी फाइनेंस की प्रॉब्लम होगी शायद। फाइनेंस की प्रॉब्लम कारण क्या है जी, मतलब कस्टमर नहीं आ रहा एक तो, या उनका कस्टमर तो बंद ही है ना, आप बताओ मतलब कस्टमर तब आएगा जब रेस्टोरेंट ओपन होगा। अच्छा अभी बंद है, वो बंद है अभी, बंद है वो खुद, अभी थोड़ा 10-15 दिन पहले खुला है। अच्छा अगर उनका माइंड दिमाग परेशान है तो सिखी में सर, अगर माइंड उसका डिस्टर्ब है तो सिखी है। हाँ जी। अगर बिजनेस में प्रॉब्लम है तो फिर क्या है? भुजंग जी। भुजंग है, और बताओ जी क्या प्रॉब्लम है? हाँ बस बिजनेस में प्रॉब्लम होनी चाहिए। हाँ जी बिजनेस में प्रॉब्लम होनी चाहिए। एक्चुअली को पता नहीं ना जी, उसका रिलेट नहीं कर पा रहे ना। आप खुल के बताओ कि बिजनेस की प्रॉब्लम है, हेल्थ की प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम है, दिमाग की प्रॉब्लम है उसको? हेल्थ, एक्चुअली उसको हेल्थ की भी प्रॉब्लम है, उसकी ना आई साइड सर, वो ना उसका आई साइड जब वो पड़ा था हमने लेजर कराया था, तो आई साइड का उसके दोनों आंखों का कॉर्निया। बिहारी जी आपने फाइनल कर दो शिखी 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 सर, शिखी शिखी शिखी, आंखों की प्रॉब्लम शिखी है, दिमाग की प्रॉब्लम शिखी है, सारा माइंड सेटिंग शिखी है जी, बिल्कुल जी। ठीक है तो आप हम आपके नॉर्थ ईस्ट में जाओ जी। नॉर्थ ईस्ट आपने वो मैप बनाया अपना घर का कि नहीं बनाया अभी? मेरा बना हुआ घर का मैप सर। हाँ तो अपने घर में मैप नॉर्थ ईस्ट में जाके शिखी देवता जो है हाँ जी उसे ट्रीट करो आप। अच्छा जी। वहाँ आपको प्रॉब्लम दिखेगी। ठीक है सर। ठीक है क्या कर सकते हैं सर, क्या करें? ये देखो कि जो सर, सर बाथरूम था वो मैंने बंद करा दिया, पूरा ऊपर टाइल लगा दी, बिल्कुल नहीं अब सिर्फ नहाने के लिए और कोई बाथरूम नहीं है वहाँ। आपका बाथरूम यहाँ ही था? नॉर्थ ईस्ट में ही था सर। ओ। अब तो बंद हो गया, बिल्कुल बंद करा दिया मैंने। कितनी देर पहले बंद किया? मेरे को हो गए 2 months। 2 months? हाँ जी। अच्छा अभी करवाया? हाँ जी। अच्छा उसको ट्रीट करवाया कि ऐसे बंद करके छोड़ दिया? ट्रीट नहीं कराया, ऐसे ऊपर टाई लगा दी, पूरा बंद कर दिया टाई लगा के, मतलब उसका अटवा दिया, पॉट अटवा दिया और ऊपर टाई लगा दी कि कहीं से नामो निशान नहीं है कि वहां पर, पूरा वो कटवा के ऊपर टाई लगवा दी मैंने परमानेंट। तो टाइल कौन सी कलर की है? व्हाइट कलर की। व्हाइट कलर। हाँ जी। सारा सिस्टम खराब कर दिया आपने। अच्छा जी। ऐसे करो। हाँ जी। अपने सारे जो वॉशरूम है ना आपका, सारा ही वॉशरूम टॉयलेट छोड़ दो। अच्छा जी। अगर बिल्कुल सही करना है आपके बेटे का सिस्टम तो सारे वॉशरूम जो है ना आपका, हाँ जी, वहाँ कटर लेके ना, हाँ जी, वो कटर वाले आते हैं, कटर होता है ना, हाँ जी हाँ जी कटर, वो आपने कटर सारे वॉशरूम में करवा के ना वॉल के साथ साथ में,
तो वहां एसएस स्टेनलेस स्टील की स्टेनलेस स्टील की पत्ती डालनी है खड़े करके डेढ़ इंच की। हाँ सर, मैंने सब बाथरूम में तो डलवाई है, यहाँ नहीं डलवाई क्योंकि मैंने बाथरूम बंद कर दिया था। आप 100 वॉशरूम में डलवा दो, जहाँ प्रॉब्लम है वहाँ तो करवाई नहीं ना। हाँ बंद कर दिया तो मैंने सोचा शायद बंद कर दिया तो डलवाने की छुट्टी डलवा लूंगी सर। एक्टिविटी अभी भी नीचे बहुत ज्यादा है। ठीक है सर, कर दूंगी मैं। वैसे इसकी पत्ती डलवा देती हूं, कल इसकी पत्ती डलवा के और ब्लू कलर का बल्ब जगा दो वहाँ 0 वाट का। 0 वाट का बल्ब सर जल रहा है, जलवा दिया मैंने। अच्छा, सर अगर सर हम वहाँ पर ग्रीन रंग का बल्ब लगाएं तो बेस्ट हो जाएगा सर। सर बात पता क्या है, ग्रीन करवा सकते हैं लेकिन उसकी जो एनर्जी है ना जी सर वो खत्म हो चुकी है। अगर ग्रीन करेंगे तो वो और एग्जॉस्ट हो जाएगी। नहीं, बार चार्ट के अनुसार मतलब उसको ज्यादा है या कम है वो तो देखना पड़ेगा सर। मतलब जो सर प्रॉब्लम बता रहे हैं ना, हम बात कर रहे हैं एनर्जी फील्ड की। हाँ, ये पीछे केबी सर ने बताया था कि वहाँ पर हम ग्रीन यूज करेंगे ना उसका बाथरूम का सारा। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, मेरी बात सुनो अच्छी तरह सुनो कुछ प्यारी जी। आप अभी करवा के आयो अपना डिप्लोमा। वो सिस्टम क्या है कि वॉशरूम अगर हमने ट्रीट करना है ना जी सर, तो वहाँ ग्रीन करेंगे कि उसकी जो एनर्जी है वो एग्जॉस्ट हो जाए। जी जी जी। लेकिन अगर पत्ती डालनी है ना हमने जी जी, तो बंद कर देना पक्का उसे। कट ऑफ हो ही गया, कटअप हो गया तो उसको बंद कर दिया हमने, यूज नहीं करना तो फिर हमने उसे एग्जॉस्ट नहीं करना। उसकी जो एनर्जी फील्ड की, जो एनर्जी फील्ड की पावर है ना बढ़ानी है जी सर, जी सर वो हम ब्लू लगाएंगे वहां फिर। ओके सर, ठीक है सर। छोटी बातें जो है ना पूरी अच्छी तरह से डीप जाके एनालिसिस करना आपने। सर वैसे एक बार तो इसकी आई सही ठीक हो जाएंगी, इसका क्रोनिया ट्रांसप्लांट होना कभी भी हो सकता है। मैंने बता दिया जी, आईज की सारी प्रॉब्लम शिकी की है, दिमाग की सारी प्रॉब्लम शिकी की है, हेल्थ जितनी है सारी शिकी की। तो सर मून मून आ गया, मून का एनल है तो रेमेडी क्या होगा इसमें? सर ऐसे ही तो डीकोड करना है कि समा कौन सा चल रहा है, उसका नक्षत्र मून आ गया। मून आ गया में कौन कौन से हमारे देवता है, तो जो प्रॉब्लम आपको दिख रही है उस देवते को पकड़ लो बस, और कुछ नहीं करना आपने। सीखी आ गया जी, सीखी हो गया, सीखी आ गया। आपने नहीं करना स्कैनर फड़ के इधर कर दो, ये शीशा लगा ये सही कर दो, या ये होया ये कर दो, आपने कुछ नहीं करना। ठीक है सर, ब्लू बल्ब लगा देती हूँ और हो सकता है, हो सकता है कुंज बिहारी जी कि अगर आप SSW डिस्पोजल जोन को ब्लॉक कर रहे हो उसके फेवर में हो जी, हो सकता है। ऐसे आपने कोई भी ट्रीट नहीं करनी, जो प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करना, दैट्स इट जी सर। बस ठीक है सर, जिसका समय चल रहा है उसका नक्षत्र लोड उठाओ, उसका देवता पट्टी को उठा लो, उसकी जगह रेमेडी कर दो, घर में वापस आ जाओ। आपने ब्लू बल्ब आपने मून का लगवा दिया सर? नहीं सर, मून का नहीं लगवाया। हाँ जी, मैंने उस एनर्जी फील्ड को पावर दी है शिकी को। ठीक है सर, बस ठीक है सर, थैंक यू सर। आप अपने पैसे लो, आप जो मर्जी करो, लेकिन उसका काम होना चाहिए 2 घंटे। तो सर सिकी पे सपोर्ट लाइट भी लगा सकते हैं फिर सर? स्पोर्ट लाइट अगर लगवानी है सबसे पहले तो ये देखो कि स्पोर्ट लाइट किस लिए लगानी है। स्पोर्ट लाइट होती है इसको फिल करने के लिए, फिल करने के लिए, सिकी को एक्टिव करने के लिए सर। एक्टिव नहीं सर, फिलिंग करने के लिए, फिलिंग करने के लिए। अगर आपने किसी चीज को फिल करना है ना, फिल स्पॉट लाइट जी सर। अगर किसी एनर्जी को आपने पावर देनी है तो फिर 0 वाट का सिंपल बल्ब। सपोज कर लो साउथ का आपका जो एरिया है वो डाउन है जी, तो साउथ का ऊंचा चाहिए ना जी। जी सर, वहां आप वो लाइट लगाएंगे जो आप बोल रहे हो, स्पॉट लाइट जी सर, वो उस एरिया को फिल कर देगी जी सर, बढ़ा देगी वो। ओके सर, हमने बढ़ाना नहीं है उसको, हमने वो उसकी जो हमारा जो एनर्जी फील्ड है उसको पावर देनी है, उसे बाद में उसकी नेगेटिविटी को हमने ब्लॉक करना है, दैट्स इट जी सर। कुछ बिहारी जी, जी सर, इतनी स्टडी की आपने, इतना पैसा लगाया, ये बात आपको किसी ने बताई? नहीं सर, नहीं सर, मैं ये बात आपको बता रहा हूँ कि आपने 2 मिनट में उस चीज को डीकोड करना है, करना। कोई भी केस ले आओ आप, कोई सर, भी केस सर। मून की रेमेडी क्या, मून की रेमेडी भी करनी है सर वहाँ पर? सर फिर वही बात, हमने मून को तो पकड़ना ही नहीं ना। देवता पकड़ ले, देवता को ट्रीट करना है, कैसे भी करें हम। जिसका समय चल रहा है वो कौन से नक्षत्र में है वो पकड़ लिया आपने जी सर। उस प्लेनेट का
देवते कौन कौन से हैं जी सर, जी जी पकड़ लिए जी सर, उस देवते से रिलेटेड जो है आपको कौन सी प्रॉब्लम है जी, वो आपने पकड़ लेना बस जी, आपका काम हो गया, बस उसको ट्रीट कर देना है वहां पर, आपने कुछ नहीं करना और आपने सीधा वहां जाना है ता देवता बैठा हुआ है, हाँ वहीं वहीं जाना है बस, वहीं उसी को मतलब मैनेज करना है, जाके आप ट्रीट कर दो, बात बन गई हमारी, हाँ वो डिस्टर्ब भाई, वो जोन डिस्टर्ब है उसका, देवता का जगह डिस्टर्ब है वहां बस, क्या एंटी एलिमेंट है, एंटी कलर है, एंटी ऑब्जेक्ट है, पहले वो रिमूव करना है, एंटी कलर, एंटी ऑब्जेक्ट, एंटी एक्टिविटी जो भी है वो रिमूव करनी है जी, 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 उस कलर, उस जोन का जो क्या बोलते हैं मेटल है उसे लेना है, उस जोन का जो शेप है वो लेना है, उस जोन का जो कलर है वो लेना है जी, काम हो गया आपका, नॉर्थ ईस्ट का मैं तो सिखी सिखी का ब्लू आ गया सर, ब्लू आएगा, हाँ ब्लू आ गया, इसीलिए मैंने बोला ब्लू करना, ग्रीन नहीं करना, ग्रीन होता है अगर आपने वो एग्जॉस्ट करना है जी सर, जी सर ठीक है सर, बिल्कुल समझ गई, अमेजिंग सर जी, सर आपके अमेजिंग, कोई मुकाबला नहीं सर, थैंक यू सर, सर केपी सिखाया अमेजिंग था, बिल्कुल सर, आपने जितने भी सीखा है केपी, केपी आपको किसी को समझ नहीं आई, मैंने आपको 10 मिनट में केपी आपके दिमाग में फीड कर दी, मतलब इस पे प्रैक्टिस, इस पे प्रैक्टिस करने दे, 5-1 हफ्ता लगा के दिन रात इस पे प्रैक्टिस कर दूंगा मतलब पूरी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, हां जी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी सर, आप करी जाओगे सॉफ्टवेयर में ऐसे 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 जी जी, अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता जी 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 सर, तो आप उस लेवल में नहीं पहुंच सकते, अगर फॉर्मूला पता है आपको तो आप एक सेकंड में प्रॉब्लम सॉल्व कर दोगे, बिल्कुल सर, अभी चंडीगढ़ से फोन आया था दोपहर को हमारे नीता मैम का जी, किसी का टेबल अपना हॉरोस्कोप चेक करवा रहे थे जी सर, मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ क्योंकि ये हमने बताना नहीं है किसका टेबल था या कुछ भी है, आपको समझ आ जाए क्या किया, क्या क्या उनका फोन आया तो वो कह रहे थे कि आई थिंक 50 करोड़, 70 करोड़, 80 करोड़, पता नहीं कितने करोड़ आ गया, 100 करोड़, मतलब पैसा इन्वेस्ट कर दिया प्रॉपर्टी पे, वो ना वो करते हैं क्या बोलते हैं उसे, कॉलोनाइजर हैं जी सर, पहले चेक किया समा उनका, वो समा जो चल रहा था जो भी चल रहा था उनका नक्षत्र लॉर्ड था चंद्रमा मून जी, लिख लिया साइड पे, उसके बाद क्या हुआ कि उनका कर्क लगन था कैंसर जी, तो अगर जब मैंने केपी में जाके चेक किया तो सेकंड हाउस का लॉर्ड भी कर्क ही था और लगन का लॉर्ड भी कर्क था जी, तो राशि आ जाती है ना, मैंने बोला था स्लाइटली इलिप्टिकल है हमारी गति, इसीलिए वो स्पैम बोला था ना आपको, अंडाकार, अंडाकार, वो क्या हुआ कि दो दो जोडियक साइन आ गए हमारे दो हाउसेस में, एक कर्क लगन आ गया, एक कर्क सेकंड हाउस का मालिक आ गया जी सर, बिल्कुल ऐसे ही था आ गया, और 12th हाउस में चंद्रमा बैठा हुआ था जी सर, 12th हाउस किस चीज का है, खर्चे का, इन्वेस्टमेंट का, इन्वेस्टमेंट ले लो ना, इन्वेस्टमेंट, हाँ इन्वेस्टमेंट का जी, तो सेकंड हाउस पैसों का आ गया जी सर, पैसा मींस सारा इन्वेस्ट कर दिया जी, यही बोला इन्होंने, वो समय चल रहा था, तो अगर नेगेटिव देखें तो वेस्ट ऑफ एवरीथिंग, टेंशन है जी, डिप्रेशन है जी, है ना, ऐसे होता है, और मून के साथ बैठा हुआ था राहु, अच्छा जी, 12 में जी, 12 हाउस में, 12th हाउस में जी, मून के साथ बैठा हुआ था राहु जी, तो आपको पता है मून होता है हमारा साइकोलॉजिकल इफेक्ट का सब लॉर्ड का चार्ज प्लेनेट जी, और राहु ने ग्रहण लगा दिया, चंद्रमा प्रॉब्लम में आ गया, तो पैसों से रिलेटेड उनको टेंशन हो गई, बहुत ज्यादा टाइट हो गए, सारा पैसा इन्वेस्ट कर दिया जी सर, तो नीता मैम ने बोला तो मैंने तो देख लिया जी 2024 तक काम नहीं बनेगा जी, तो मैंने कहा अगर 20 साल यही सिग्निफिकेंट रहा है तो क्या पैसा नहीं आएगा, जी सर आपका क्या मतलब है कि आपने उसको एक दिन में रिजल्ट देने हैं, 2 12 दिखा रहा था ना सर जी सर, 2 12 दिखा रहा था, तो मैंने कहा कि इनको एक्टिवेट कर दो 11th हाउस में जी सर, अब आप बताओ कि अगर कर्क लगन है तो 11th हाउस जो हमारा प्रॉफिट एंड गेन है, अगर हमने चंद्रमा को पकड़ के कान से वहां लेके आना है, वो नली भाई हो गया, वो फुलफिलमेंट का हो गया, 11th हाउस हो गया, बढ़िया हो गया ना, प्रॉफिट एंड गेन, डिजायर फुलफिलमेंट जी जी,
तो अगर हमने चंद्रमा को पकड़ के 11th हाउस में लाना है तो क्या ट्रीट करना पड़ेगा? 11th हाउस में ट्रीट करना पड़ेगा, 11th हाउस में राशि आ गई तो कैंसर लगन है ना जी, राशि होगी उसमें टॉरस होगी जी। सेकंड नंबर राशि 11th हाउस में आ गई, सेकंड हाउस का हमारी बॉडी में कौन सा अपना पार्ट कौन सा है? गला जी। अगर गले में चांदी की चेन डलवा देंगे तो चंद्रमा 11th हाउस में आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा जी। अगर वो वेस्ट करवा रहा है, टेंशन दे रहा है, तो प्रॉफिट एंड गेन देना शुरू कर देगा वो? जी जी सर। तो क्या नहीं काम करवा सकते आप, मुझे फोन क्यों करते हो आप? सर चंद्रमा का सवार उसके चांदी मोती भी डाल सकते हैं सर, मोती डलवा के भी डाल सकते हैं। डालना सर सिंपल चांदी की चेन डलवा दो, आप सिंपल चांदी की चैन या मोती की माला डाल ले, गले के छिपी हुई, गले के छिपी हुई। बिल्कुल सर, आपके अभी तो 11th हाउस में सेकंड नंबर राशि है तो घर पे सर घर में रेमेडी है, घर में रेमेडी करने की जरूरत नहीं जी इस डायरेक्शन में? अगर सर घर में करनी तो नॉर्थ वेस्ट में चावल रख दो। हाँ चावल रख दे वहां जमीन पे नॉर्थ वेस्ट में हो जाएगा। कितने बंदे रह रहे हैं? हाँ वही वही चीज़ है। पर्टिकुलर आदमी को जिसको प्रॉब्लम है उसकी बॉडी पे आप करो एक्टिवेट। जी सर। गांधी की चेन दिलवानी है ना? जी सर जी सर। तो क्या आप मुझे कोई भी बताओ, जितने भी बंदे बैठे हैं आप सारे प्रोफेशनल हो, आप तो हम तो कुछ सीख नहीं रहे, आप तो फर्दर स्टडी कर रहे हो, उसका काम नहीं होगा मुझे ये बताओ? हो जाएगा सर, बिल्कुल होगा सर, बिल्कुल होगा। तो यही बता रहा हूँ कि कौन सा काम है आप जो नहीं कर सकते? सब कुछ कर सकते हैं। हिट वाया नहीं देखा सर, इसमें कोई हिट नहीं बजा थे। जितनी मर्जी हिट पड़ रही हो, ओके सर ओके, 180 हिट हो, 90 हो, 45 हो, आपने उसे पकड़ के 11th हाउस में ला लिया, बस खत्म काम। हाँ हमने तो अपना वो आम खाना है, पेड़ की देखना है नहीं, पेड़ कहाँ लग रहा है। काम करने हैं आपने, जाके वो कर लो स्कैनर, वो कर लो, क्या होता है वो डाउजिंग, वो बढ़िया है क्योंकि आपको जब वो चेक करना पड़ेगा ना, वो स्कैनर की जरूरत तो पड़ेगी आपको जी सर, क्योंकि आपको पर्टिकुलर देवते के बारे में पता चल गया, लेकिन आपको क्लाइंट को दिखाना पड़ेगा ना कि आपका जो हाउस जो है डीएक्टिवेट है, इसे हमने एनर्जी देनी है। जब आप वो देवते के पास जाओगे वो 180 पे खोलेगा नहीं, तो आप कन्फर्म हो जाओगे कि हाँ भाई यहाँ प्रॉब्लम है। जी सर आप घर में नहीं कर सकते, उसके ऑफिस में तो कर सकते हैं सर एक्टिवेट, ये मतलब रेमेडी जहां मर्जी कर लो, जहां मर्जी नहीं, ऑफिस में तो मालिक की तो कर ही सकते हैं, घर में तो कई मेंबर होते हैं। मैंने आपका काम बिल्कुल वो खत्म कर दिया, इधर चेक करो, इधर चेक करो, इधर चेक करो, उसकी डेट ऑफ बर्थ टाइम लो, उसका नक्षत्र लॉ निकालो, उसमें देवते देखो कौन से है, उसकी प्रॉब्लम को रिलेट करो, वहां देवते को जाकर कर दो। तो आप गाड़ी में बैठ रहे होगे तो वो बंदा कह देगा यार मेरा काम हो गया। अच्छा जी, विपन जी को पूछ लो, विपन जी कैसे 4-5 घंटों में काम करवा रहे हैं। सर एक चीज पूछूं आपसे, जैसे आपने बोला महादशा चल रही है, महादशा का नक्षत्र लोड हमने उठा लिया, इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आई, और उसके बाद हमने फिर उसकी अंतरदशा में चले गए, अंतरदशा का लॉर्ड उठा लिया, उसमें वो प्रॉब्लम नजर नहीं आई, तो फिर आगे प्रंतरदशा में ऐसे से चेक करके जाना पड़ेगा? सर सबसे पहले ये देखो, उससे पूछो कि आपको जो प्रॉब्लम है वो कितनी देर से आ रही है। ओके यस, ये तो साल 2 साल से आ रही है, तो देख लो कि अंतरदशा चेंज हुई है, प्रत्यंतरदशा चेंज हुई है, महादशा चेंज हुई है। मैंने आपको पहले बताया था कि अगर तो लेटेस्ट महादशा चेंज हुई है वो तो महादशा का नक्षत्र लॉर्ड उठाना है। अगर महादशा को चलते 5-7-10 साल हो गए हैं तो आपने अंतरदशा को ही उठाना है। वो क्लियर है सर, मतलब मैं ये जा रहा था जैसे आपने अब लॉर्ड भी चेंज हो जाएंगे, जोन भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि परिंतर में जाएंगे जब, तो वो प्रॉब्लम ये जो आपका आपने भाई बोला बहुत बढ़िया है कि भाई तेरे को प्रॉब्लम कब से आ रही है, तो वो परिंतर दशा में अगर सूक्ष्म में भी जाएंगे हम देखेंगे तो उसका हमें पता चल जाएगा कि 4 दिन से प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको इसने तंग किया। सूक्ष्म दशा को तो आपने पकड़ना ही नहीं जी, सूक्ष्म दशा को बोलते हैं हवा का झोंका। हाँ वही मतलब अगर किसी को 2 दिन जब तक आपको फील होएगा ना तब तक उसकी प्रॉब्लम वैसे खत्म हो जाएगी। सर इसमें नक्षत्र लॉर्ड को एक डेढ़ महीने की वो टाइमिंग होती है।
हाँ जी हाँ जी सर, इसमें नक्षत्र दो महीने तो लगते हैं बंदे को देखते देखते कि मेरे साथ हो क्या रहा है। सर इसमें नक्षत्र लॉर्ड को उठाना है, सब लॉर्ड को, सब लॉर्ड के नक्षत्र लॉर्ड को कि खाली नक्षत्र लॉर्ड को? नो, खाली नक्षत्र यहाँ सब लॉर्ड नहीं उठाना, नक्षत्र लॉर्ड को। अंतरदशा या महादशा कौन सा प्लेनेट है, उसका नक्षत्र लॉर्ड कौन है, उसके देवता पटिकुण कौन से हैं, और उससे रिलेटेड आपको कौन सी प्रॉब्लम आ रही है, उस वो जो देवता उसको पकड़ के उसे ट्रीट कर दो। ट्रीट कैसे करना है, उस जोन का कलर, उस जोन की शेप, उस जोन का मेटल। अपने अपने सारे हॉरोस्कोप निकाल के बैठ जाओ, अपने अंतरदशा का नक्षत्र लॉर्ड उठाओ, उसके देवता चेक करो, और फिर आप देखो कि मुझे कौन सी प्रॉब्लम है। अगर क्लाइंटेशन नहीं आ रही तो फिर देखो कौन सा देवता वहां रह बैठा, अगर पैसा नहीं आ रहा तो कौन है, अगर हेल्थ नहीं सही तो कौन है। तो बात जी सर, ऐसे आपने रिलेट करना है हर चीज को। जुपिटर के तो सर आपने दो ही देवता बताया ना, जयंत और ब्रह्मा। जयंत ब्रह्मा जो है जुपिटर के हैं, बस दो ही है ना जुपिटर के। आप देखना जब भी जो जुपिटर जो बृहस्पति प्लेनेट है वो नक्षत्र के रूप में आएगा तो उसके लीवर में प्रॉब्लम आती है, उसके पेट में प्रॉब्लम आती है। उसका कारण क्या होता है, क्योंकि वो ब्रह्म स्थान जो है जुपिटर के अंडर है। तो सर बर्मा, बर्मा में क्या रेमेडी करेंगे, बर्मा में तो फिर वो उसकी केसर वाली रेमेडी हो सकती है, तो कुछ छेड़ तो सकते नहीं वहां पर, क्या कर सकते सर? क्या, क्या, क्या बोला आपने? बर्मा जी में रेमेडी। बर्मा का कलर कौन सा होता है? येलो सर। येलो, तो येलो कलर कर दोगे तो बर्मा सही नहीं होगा। हाँ या बहुत महाज्ञानी हो सर आप सभी। सर मैंने येलो कलर की टाई लगाई हुई है। ब्रह्मा का तो भाई बेस कलर ही हुआ ना। अगर किसी को ब्रह्मा की प्रॉब्लम है ना, सेंटर में प्रॉब्लम है, तो कच्चा दूध लो, उसमें थोड़ा सा पानी डालो, थोड़ा सा केसर डालो, डेली शीटे दिया करो सेंटर स्थान में। हाँ वही सबसे बेस्ट है जी वो तो। और केसर दूध मिक्स करके अपनी नाभि के चारों तरफ मसाज करा करो जी। नाभि में केसर लगाता हूं जी। नाभि लगाता हूं। सर मेरी बात सुनो, जो मोदी का राइट हैंड होगा, आरएसएस का प्रेसिडेंट होगा, वो कोई ऐसे बंदा बन जाता है जी सर। नरेंद्र शर्मा जी हमारे जो है वो बहुत महाज्ञानी बंदे हैं। हाँ बहुत ज्ञानी है जी, बहुत शिक्षा भी दे दे पड़े, पूरे बहुत बड़े शिक्षा भी तो ज्ञानी है जी। नाभि में केसर जो लगा रहे हैं ना जी, ब्रह्म ज्ञान हो रहा है, ब्रह्म ज्ञान इनको है। ब्रह्म ज्ञानी जी तो इतना, मैं तो एक दिन बात हुई, बड़े ब्रह्म ज्ञानी है जी। अच्छा सर कोई भी है ना आदमी का 2 मीटर पता लग जाता है कहाँ बोल रहा है, उससे सारी प्रोडक्शन मतलब रीडिंग हो जाती है इनका। मतलब मैंने बात हुई थी एक दिन, तो बहुत ही ज्ञानी पुरुष हैं जी ये तो। इनका फेस देखना अच्छी तरह से ना, बहुत ज्यादा तेज है इनके फेस में। बृहस्पति जो है, बृहस्पति जो जुपिटर है, वो जल कर इनसे फेस के। अरे ठंडे दिमाग, ये वाटर एलिमेंट के सर ठंडे दिमाग के, ठंडे आराम से काम करने वाले हैं, बिल्कुल स्लो, मतलब बिल्कुल सोच समझ के काम करते हैं सारा। कुंज बिहारी जी मैं आपकी ये बात नहीं मानता कि वाटर एलिमेंट होगा, इनका जो बॉडी में जो जो एलिमेंट है वो है अर्थ एलिमेंट ज्यादा। स्टेबिलिटी है सर इनके बीच में। नहीं फेस जो इनका पिक लगाई हुई है ना जी, फेस मैं वो देख रहा हूँ, लो सर अभी देखो वाटर के अर्थ है, अच्छी तरह से देखो अर्थ देवगुण होते ना सर, देवगुण जो पॉलिटिक्स सेशन फेस देख लेना, इनकी वे ऑफ टॉकिंग देख लेना, इनकी आवाज में दम होता है, जिसकी आवाज में भारीपन होता है, स्टेबिलिटी होती है ना, ठहराव होता है, उनकी बात में मतलब वजन होगा, वो अर्थ एलिमेंट होता है। और जो ऐसे ऐसे वेवी बात करते हैं ना, किसी बात का मतलब ही कोई नहीं है, वो वाटर एलिमेंट होता है। तो आप में वाटर नहीं है, स्टेबिलिटी है। अभी तो इतना सिस्टम हो गया कि फेस देख के सारा कुछ बता देते हैं, फेस देख। ब्रह्म स्थान मेरी बाई चांस ही येलो कलर की टाइल लग गई जी, पूरे स्थान में अपने आप ही।
सर शर्मा जी कभी झंडी झुंडी का देर द्वारे हो आप ये तो जो आपका जुपिटर है वो लगन में है नहीं लगन कस्प में आ जाता है वैसे सर मेरी बात सुनो ऐसे नहीं बात करनी अच्छा जी अपल बात नहीं करनी मैंने आपको एक बात बताई है कि किसी भी प्लैनेट की एक्चुअल राशि में प्लेसमेंट देखनी है तो अगर किसी भी प्लैनेट की एक्चुअल में हाउस की प्लेसमेंट देखनी है तो कस्पल चार्ट आपके कस्पल चार्ट में जो जुपिटर वो लगन में है लगन में बात कर लगन में है जी शुक्र और बुध बारहवें में ये नहीं बताना चाहिए था आपको ये नहीं बताना चाहिए था जानबूझ के बताया ऐसे ना करो ना फिर अच्छा कोई बात है जो आपको ना समझ आई हो नहीं सर सर एक बार ये देवताओं के गुण और अवगुण ये बारे में कुछ आगे अगर पता चल जाए जी या कैसे इसमें मैं आपको ना सारे जो देवता के एट्रीब्यूट्स है ना वो मैंने लिखवाए हैं आपको लेकिन मैं आपको ग्रुप में डाल दूंगा आप अच्छी तरह से रीड कर लेना उसे हाँ सर वो ठीक है वो भेज दूंगा मैं आपको अच्छा अर्श मैम जी सर कोई बात है जो आपको ना समझ आई हो नहीं सर क्लियर है जी सर चंद्रकांता जी सर मैं तो नालायक बच्ची हूँ ग्रुप की मुझे तो अभी थोड़ा नालायक ही रहोगे थोड़ा टाइम लगेगा सर मुझे अभी प्रैक्टिस करो इनको पास सोशल वर्क ज्यादा है अच्छा नीता मैम जी सर समझ आ गया सारा क्लियर है बिल्कुल क्लियर सर बहुत बढ़िया अभी सारा कुछ करवा सकते हो आप सर करा सकते हो फिर भी कभी कभी आपकी हेल्प चाहिए होगी क्योंकि अभी क्या है कि अभी थोड़ा रिलेट करने में थोड़ी सी मुश्किल आ रही है लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि रिलेट कर सके जैसे आप कोई बात नहीं जहां भी प्रॉब्लम आए मुझे बता देना चंडीगढ़ में जितने भी आपने वो करने हैं ना वो मैपिंग करनी है ग्रेडिंग करनी है महावास्तु की मुझे बता देना ठीक है सर ठीक है कुंज बिहारी जी जी सर ओके हाँ जी समझ में तो आ गया आपके आशीर्वाद आपका अगले नेक्स्ट ग्रुप में बैठ रखो सर अलग करोगे 11 सितंबर को शुरू हो रहा है सर आज लास्ट था हमारा नहीं जैसे कहीं आप कहीं नहीं जाने वाले मेरी बात सुन लो जी सर मैंने पहले दिन से आपको बोला था कि आपको किसी भी चीज की कब भी प्रॉब्लम होती है ना जी सर चाहे 2 भी प्रॉब्लम हो जाए रात को जी सर तो मुझे यू कैन टॉक मी विदाउट एनी हेजिटेशन एट एनी टाइम जी सर थैंक यू सर सर एक बात पूछनी थी सर जो आपने वो प्लस माइनस वाला नहीं हमें कराया था प्लस माइनस नीता मैडम से भी बात कर रहे थे सर उसकी वो डिग्री का थोड़ा समझ में नहीं आया था कि हमने कैसे उठाई थी जल्दी लिखो सर जो भाव का करवाया था हाँ जी सर जल्दी लिखो हाँ जी सर जो हमारी गुड होती ना एस्पेक्ट गुड एस्पेक्ट होते हैं जो हमारे फेवरेबल होते हैं हाँ जी सर वो होते हैं 30 degrees 60 degrees 120 degrees लिख लिया जी सर और जो नेगेटिव होते हैं हमें मारने वाले होते हैं वो होते हैं 45 90 180 ठीक है सर तो हमने ज्यादा फोकस किसकी तरफ करना है 180 एंड 90 ठीक है सर और जो अच्छे एस्पेक्ट है वो हमने ज्यादा कंसिडर करना है 120 एंड 60 कॉपी पेंसिल पकड़ी है आपने हाँ जी सर कॉपी पेंसिल है सबसे पहले 180 पे आ जाओ आप जी सर एक साइड पे लिख लो 358 अगर
30 जो चेक करना है ना, 30 30 को करना है 3 से, 3 प्लस माइनस 3 प्लस 30, अगर आपने 30 चेक करना है ना, हाँ जी हाँ जी, तो प्लस माइनस करना है 3 से। अच्छा। अगर आपने 60 करना है तो प्लस माइनस करना है 5 से। अगर 120 चेक करना है तो प्लस माइनस करना है 8 से। ऐसे ही नेगेटिव हिट जो होती है उसे भी आपने ऐसे 358 से करना है। जैसे 45 है तो प्लस माइनस करना है 3 से। अगर 90 है तो प्लस माइनस करना है 5 से। अगर 180 है तो प्लस माइनस करना है 8 से। समझ आ गया जी सर? सर इसमें प्लस पहले करना है कि माइनस? पहले माइनस फिर प्लस। आप मुझे 180 की हिट निकाल के दो अभी। लिख लिया आपने 180 प्लस माइनस 8, आगे लिखो क्या आएगा? 182 188 है। 172 188 है जी सर। पहले 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 काम नहीं पता मेरे को, इसमें क्या प्रॉब्लम है? ऐसे ही आएगा ना, पहले 8 को लेस करना है 180 से, फिर 180 को 18 से प्लस करना है 172 188। चंद्रकांत जी समझ आ रहा है? समझ आ रहा है आपको? मैंने टैली में खड़ा करना स्टेज पे आपको, ये आप देख लो सर, मुझे क्लियर करना है सर, स्टेज पे स्पीच दवानी है आपको सर। आपके नाम की तो हम वैसे दे देंगे सर। मेरे नाम की तो दोगे, वैसे मैं पूछना है मैंने स्टेज पे आपको, देख लेना आप सर। बता तो दो किस लिए लोगे सर, डराओ मत। अभी 180 की हिट तो आपने देख ली, दूसरी हिट होती है जो नेगेटिव हिट होती है 90 की है ना सर। तो 1 जो 90 है उसे किससे करोगे? 5 से करोगे ना? 5 से। हां तो क्या आएगा निकल के? 85 से 95 तक हिट हुआ है 90 है। 172 188 जो है वो 188। सर ये देवता वाले थ्री अपने आपके प्रोडक्शन आ गया सर, आपको जो कोई नहीं सिखाएगा जी, आपको किसी सॉफ्टवेयर में मिलेगी, ये मेरी खुद की इन्वेंशन है। वही तो इसीलिए मैंने बोला भाई, ये चीज नजर आ रही है जी, आज तक सुना भी नहीं इस बारे में, कभी भी सुना भी नहीं है कहीं भी। आपने नहीं सुना तो इसका मतलब कोई नहीं सुन सकता। मैं आपको इसका वो कौन सा सर, एक बात और बताइए सर, आपने जो हमें देवता लिखवाए हैं तो हम ये खुद कैसे प्रेडिक्ट करेंगे कौन सा देवता क्या कहोगे? शक्ति चक्र पड़ा है आपके पास? हाँ जी सर। जिसमें तो वहाँ सारा कुछ लिखा है। अच्छा तो हमें उसको डीप निकालना है पहले। हाँ ये देख लो द्वारिक कहाँ बैठा हुआ है। ठीक है सर। पुष्पदंत कहाँ बैठा हुआ है? हमारा होमवर्क है 1 महीने का सर। हाँ 1 महीने का होमवर्क है ये। मेरे हिसाब से 2 दिन का होमवर्क है सर। आपके साथ कैसे हो 2 दिन का? अब ये हमें, मैं 4 तारीख से पहले पहले पूरा होमवर्क करना कर लेंगे ना इस पे सर, फिर जो पॉइंट होगा नोट कर लेंगे, फिर 5 को डिस्कस करते हैं। बिल्कुल सर, प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस करो। हाँ भाई वही तो, प्रैक्टिस कर लेते ना, अभी जहाँ दिक्कत आएगी मतलब फिर, मतलब कोई अगर प्रॉब्लम आ रही है कैसे आ रही है? मैंने बोला सर, मैंने बोला आपको कोई भी प्रॉब्लम मुझे फोन पे कंसल्ट करो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है सर। केपी को बोलते है ना जी सर, केपी समझ नहीं आ रही, केपी बहुत मैथ है, ऐसे है ऐसे है। तो कौन है आप में से जिसे केपी समझ नहीं आई? केपी का एक पूरा भूत आ गई समझ, बहुत अच्छे से फॉर्मूलाज है, फॉर्मूलाज के ऊपर काम करो, अपने दिमाग से इन्वेंशन करो तो कोई बात ही नहीं है।
जी सर। हाँ ऐसे पता क्या है, आप खुद करो सारी प्रैक्टिस जैसे मैं करता हूँ। सर बीटीआर भी सिखा दूंगा, बीटीआर सारा सारा कुछ सिखा देगा, चिंता मत करो आप। तो बीट आप तो करते हो सर, बीटीआर करते होंगे आप तो? हाँ हाँ सर। अगर हमें जैसे आप नई क्लास लेंगे रिपीट करेंगे तो हमारा कोई चार्ज होगा उसमें दोबारा रिपीट का भी? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ 25,000 है तुम्हारा पूरे पैसे सर। मेरी बात सुनो। हाँ जी सर। नीता मैम से पूछ लो, आपको भी पता है, सभी को पता है कि एक क्लाइंट से कितने पैसे लेते हैं। जी सर। एक क्लाइंट से मिनिमम चार्जेस 25,000 है ना? जी सर। मिनिमम की बात बोल रहा हूँ आपको, मिनिमम की बात है। तो आपको 25,000 में पूरे परफेक्ट हो जाते हो अगर तीन सब्जेक्ट में, तो ये कोई बड़ी अमाउंट है? वो नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। फिर जो कुछ भी हर्जी को पता है उन्होंने कितने पैसे दे के आए, कितने कितने पैसे लगाए, क्या सिखाया आपको? करोड़ों का ऐसे ढूंढती फिरेगी वो कहाँ गए सारे, चंद्रकांता जी कहाँ है, नंद शर्मा जी कहाँ, अर्श मैम कहाँ है? नीता जी आपने महावास्तु से किया क्या नीता जी? हाँ जी सर। हाँ जी सर। महावास्तु के? हाँ जी सर। क्या क्या किया आपने महावास्तु से? मैंने बस ये कोई वास्तु किया था सर। नहीं बेसिक किया, बीएससी या एमए किया? हाँ जी। एमए भी किया? नहीं एमए नहीं किया। नहीं सर नहीं, इन्होंने बेसिक किया। ओके ओके। बेसिक किया था मैंने सर। अच्छा 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 अच्छा। एमए सिर्फ आपने किया सर? सर आप एमए किया, हमने नहीं किया। नहीं मैं दो बार सबसे हायर स्टडीज हो पंक के साथ, दो बार तो एडवांस हो गया जी मेरा, इंट्यूशन हो गया। आपको 11:30 बजे आए हो गुड़गांव से? हाँ जी हाँ जी, इंट्यूशन हो गया, दो बार इंट्यूशन हो गया, ऐसी इमेजिंग इंट्यूशन मतलब करवाई जी, बस क्या बताऊँ आपको, बयान नहीं कर सकता मैं। जो मेडिटेशन करवाता है ये, मतलब जो वहाँ भी करवाई, ऑनलाइन भी करवाता था, वहाँ भी जो करवाई है बहुत ही जबरदस्त। इंट्यूशन का क्या आया सर आपको इसमें? वास्तव में ही इंट्यूशन जो मतलब मेडिटेशन से इंट्यूशन डेवलप करते हैं और है सब चीज। आपको कोई बीज मंत्रों के साथ बताया या वैसे ही? नहीं जी कोई बीज मंत्र नहीं होता जी हमारे वास्तु में, बीज मंत्र वास्तु के बीज मंत्र जैसे वो सर जो महावास्तु है ना, वहाँ कोई सिस्टम ऐसे नहीं चलते, वो हर चीज जो है ना कैलकुलेशन के ऊपर डिपेंड है, लॉजिक के ऊपर है, ऐसे बाबो पर्त वाला कोई काम नहीं है। ठीक है जी सर, जी सर थैंक यू जी। स्टार वर्ड वाला कब करवाओगे सर, कब करो फोन? सुनने का मन नहीं कर रहा। करवा देंगे सर, डेली में करवा देंगे, कोई बात नहीं है सर। महीने में एक क्लास ले लिया करो सर। चलो कोई बात, जब भी कर देंगे जुड़े रहने के लिए ठीक है। 11 सितंबर को मेरी बात सुनो, 11 सितंबर को नेक्स्ट सेशन शुरू है। हां जी सर। तो आपने पूरी ऐड करनी है अभी, ठीक है? ठीक है सर, बिल्कुल पूरी ऐड करेंगे सर। दिल्ली के बढ़िया से मैं करूंगी। दिल्ली में आपने करनी है, चंडीगढ़ में करेंगे नीता मैम, अम्बाला में करेंगे हमारे विपिन जी, बिल्कुल सर, कुछ करेंगे हरियाणा जींद में, अर्श मैम करेंगे जयंतर लुधियाना में। सबसे पहले मेरी शुरू होगी शायद, मुझे पता है, मुझे पता है, मुझे पता है। अच्छा विपिन जी कल आ रहे हो पक्का? हाँ जी हाँ जी आ रहे हैं जी, 11 बजे पहुंच जाना टांडा में, 11 बजे आ जाएंगे जी। ठीक है सर, ओके सर, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट सर, गुड नाइट सर, थैंक यू सर, गुड नाइट सर, सलूट सर, सलूट सलूट सर, सच में मैंने बहुत किया।